Hey guys, this is Dhiraj and I'm back with another video. So, सुबह स्टीलवर्क की तरफ से एक हेलमेट आया, तो चलिए सबसे पहले उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि कैसा हेलमेट है। So guys, this is the package I received today. Well, this is a स्टीलवर्क हेलमेट। So अभी देखते हैं कौन सा हेलमेट है और बताते हैं आपको भी। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। Thanks to स्टीलवर्क India for providing me this review unit. Well, this is a off-road helmet. So, कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से करते हैं। रेडी है ना आप सब? वो सो ये बुक इन्होंने भेजी हुई है, मेमोरीज ऑफ स्पिरिचुअल टाइकोन। एंड वो हेलमेट काफ़ी बड़ा लग रहा है। और एक और बुक इसके साथ में है, और ये है कन्हैया से कन्हैया तक। सो मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। वैसे बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक से हमें काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलता है, लाइक क्वालिटी नॉलेज। तो चलिए पहले इस बॉक्स को साइड में करते हैं। तो कौन सा कलर एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या लगता है? रेड। अब बार बार मैं रेड फोन नहीं लूँगा, ब्लैक ना, ब्लैक भी नहीं। कलर पर मैंने काफ़ी गैम्बलिंग की हुई है, सो आई होप मेरी गैम्बलिंग सही निकले। आर यू रेडी फॉर दिस? टड़ा 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 टड़ा। सो मेरी गैम्बलिंग जो काफ़ी सही निकली है, और ये हेलमेट काफ़ी स्लीक है एंड बिल्कुल सेक्सी हेलमेट है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस थिंग। हाँ, तो चलिए अब इस हेलमेट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये रहा पैकेज गाइस। सो पैकेज पे लिखा हुआ है स्टीलवर्क हेलमेट्स रेस ट्रैक। सो इतना यहाँ पे। एंड पैकेज पे जो प्राइस लिखा हुआ है इसका, वो लिखा है 2899 रुपीज़, एंड इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन फेबररी 2018। दिस इज़ द हेलमेट एंड दिस इज़ एन ऑफ रोड हेलमेट। एंड मेरे को हेलमेट काफ़ी पसंद आया, एंड इसके इनिशियल लुक्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। जो इसका डिज़ाइन है मेरे को काफ़ी सही लग रहा है देखने में। एंड चलिए बात करते हैं इस हेलमेट के बारे में। तो सबसे पहले आ जाती है हेलमेट की बॉडी, जो इसका शेल रहता है। ये आ जाता है आपका ABS मटीरियल में, और उसके अंदर जो रहता है वो रहता है आपका EPS, जो कि रहता है थर्मोकोल लोअर डेंसिटी एंड हायर डेंसिटी में, एंड प्रोवाइडेड विद द एयर चैनल फॉर द एयर फ्लो। तो इस हेलमेट के फ्रंट चिन पे आपको मिल जाएगा एयर इनटेक वेंट्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इनको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, और ये जो रेगुलर वाले एयर इनटेक एंड जो एयर एग्जॉस्ट होगी वो होगी आपके यहाँ पीछे से। एंड हेलमेट का डिज़ाइन है वो काफ़ी सही है, एंड जो इसका वाइज़र है वो काफ़ी अच्छे फीडबैक के साथ आता है, लाइक स्टेडी रहता है हर पॉइंट पे, और स्क्रैच रेजिस्टेंट है। और ये जो इसकी पी कैप है ये बिल्कुल एडजस्टेबल है, और पी कैप जो है एक्सटेंडेबल भी है। अगर धूप सामने से लग रही है आपको तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो ज़्यादा धूप में। जब ये हेलमेट पुराने डिज़ाइन के साथ आता था तब ये हेलमेट देखने में इतना अच्छा नहीं था, बट ये नए ग्राफिक्स के साथ काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। आप तो देख ही सकते हो कैमरा में पूरे अच्छे ढंग से। सो इस पी कैप को रिमूव करने के लिए यहाँ पे थंब स्क्रू दिए गए हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हो ऑफिशियली। और रिमूव करने के बाद आपको ये दो चीज़ें लेफ्ट और राइट में लगानी है, जो कि ऑफिशियली आपको इनबॉक्स मिल जाएंगी। और हेलमेट इस पी कैप के बिना भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन काफ़ी एरोडाइनमिक डिज़ाइन है, और आप इसमें कर्व देख सकते हो बॉडी के कर्व्स, यहाँ पे। और हेलमेट पे लिखा है मेड इन इटली। एंड इस डिज़ाइन को देख रहे हो आप, RS भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये काफ़ी कूल लग रहा है, मतलब आपका नहीं पता बट मेरे को काफ़ी कूल लग रहा है। और ये जो कलर का कॉम्बो बैठा है इसके साथ में, काफ़ी सही लग रहा है। और इस प्राइस में जो और हेलमेट रहते हैं वो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट उसमें नहीं होता है। जो जैसे कि वेगा का एक ऑफ रोड हेलमेट आता है 1600 to 1800 के आसपास में आता है, और जिसमें ये वाली चीज़ नहीं रहती है। ये जो अच्छी चीज़ करी हुई है इन्होंने, स्टीलवर्क ने इसको एक्सटेंड किया हुआ है सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट योर नेक। एंड हेलमेट का वेट आ जाता है 1300 ग्राम, एंड इस हेलमेट का साइज़ है लार्ज, सो ये 60 सेंटीमीटर। मेरा सिर थोड़ा बड़ा है तो ये लार्ज साइज़ है मेरे लिए। अगर आपका सिर मेरे सिर से थोड़ा छोटा है तो आप मीडियम साइज़ इसमें
में ले सकते हैं एंड हेलमेट का फीडबैक काफ़ी सही है। अब बात करते हैं इसकी पैडिंग के बारे में। पैडिंग बहुत अच्छी है इसकी और 70-80% तक LS2 की तरह है, जो कि 5-6 हज़ार वाले मॉडल होते हैं LS2 के। एंड ये जो इसकी फिनिशिंग है, ये जो कपड़ा यूज़ किया गया है, ये काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी कंफर्टेबल है एंड हेलमेट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड हियर इज़ द माइक्रोमेट्रिक बकल विच मैचेज द यूरोपियन स्टैंडर्ड। आप इसको ग्लव्स के साथ भी इजीली रिमूव कर सकते हो एंड हेलमेट की जो पैडिंग है वो पूरी रिमूवेबल है, बिल्कुल ईजीली रिमूवेबल है। एंड यहाँ पे एक और फीचर दिया गया, ये जो खुल जा मेरे भाई, ये थोड़ा स्टक हो जाता है कई बार। अच्छा, नाइस। सो इसमें एक और फीचर दिया गया है, ये जो सनग्लासेस रहते हैं, इनबिल्ट सनग्लासेस, इनको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो दिन में ऐसे करके और रात में इसको बंद करके। तो मैं काफ़ी टाइम से एक ऑफ रोड हेलमेट लेने का प्लान कर रहा था, बट 4-5 हज़ार तक की रेंज में मेरे को कोई अच्छे वाला ऑफ रोड हेलमेट नहीं मिल रहा था। उसके बाद स्टीलबर्ड हेलमेट से मेरी बात हुई इस हेलमेट के बारे में एंड थैंक्स टू स्टीलबर्ड इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग दिस हेलमेट। एंड आप इस हेलमेट के साथ बहुत सारे मॉड कर सकते हो, आप इसकी पी कैप रिमूव कर सकते हो और इस वाइज़र को रिमूव करके जब यहाँ पे ऑफ रोड गॉगल लगेगी तो ये कसम से बहुत सेक्सी लगने वाला है। और इसके डिज़ाइन तो देखो, इसके कर्वी डिज़ाइन, आई एम इन लव विद दिस हेलमेट। अभी मैं पहन के बताता हूँ। सो हेलमेट काफ़ी ब्रीथेबल है, आप देख सकते हो 360 व्यू। एंड इस कैटेगरी में और इस प्राइस रेंज में इस हेलमेट को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। रही बात इस हेलमेट की अवेलेबिलिटी की, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है बट ये नए कलर स्कीम के साथ अवेलेबल नहीं है अमेज़ॉन पे, और आपको ये कूल वाले कलर्स अमेज़ॉन पे नहीं मिलेंगे। फिर भी इस हेलमेट के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये बहुत सारे कूल कलर्स में अवेलेबल है। सो दैट्स बीन सेड गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉय द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर ओपिनियन ऑन दिस हेलमेट। So yeah, peace. Stay tuned for more. और ये हमने यहाँ पे इसकी पी कैप रिमूव कर दी है और यहाँ पे ये जो आपको पार्ट्स मिलेगा बॉक्स के अंदर, ये वाली चीज ऐसे लगेगी। और ये वाली जो साइड है ये है आपकी लेफ्ट साइड और ये वाली जो साइड है ये है आपकी राइट साइड। जो इन कैप्स पे R और L लिखा होगा दैट मींस राइट और लेफ्ट, और जो बड़े वाला स्क्रू है वो आगे की तरफ को लगेगा और जो छोटे वाला स्क्रू है वो पीछे की तरफ को। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से। आपको डिज़ाइन के साथ भी पता चल जाएगा कि ये डिज़ाइन के साथ मैच होना चाहिए, ये वाली चीज़ ये डिज़ाइन के साथ यहाँ पे मैच कर रही है।